subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And in this video I am going to discuss about the chronopharmacology. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे chronopharmacology के बारे में. And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check the description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains introduction, history of the chronopharmacology, definitions, circadian rhythm, chronopharmacology and the application of the chronopharmacology. So let's discuss about the topic. So medication used in the best time for the enhance their therapeutic value. तो chronopharmacology में ultimately जो chronobiology है, जो basically हमारे body का biological clock है, वो उसके बेस पे ही हम ड्रग को डिसाइड करते हैं, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन टाइम को डिसाइड करते हैं ताकि उसकी थेरेपेटिक वैल्यू बढ़ सके और थेरेपेटिक एफिकेसी बढ़ सके और साइड इफेक्ट कम कर सके. यही मेन आपके मोटो है आपके क्रोनोफार्माकोलॉजी का, जो कि डिपेंड करता है आपके क्रोनोबायोलॉजी पे या फिर बायोलॉजिकल रिदम पे या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक पे, जिसको हम सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट नहीं होता, मीन्स टाइम के अनुसार में जो है वो चेंज होते रहते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं आपके बॉडी का ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे. जैसे कि हमारे बॉडी में के अंदर में जो ब्लड प्रेशर है वो आपके 6 PM अप्रॉक्सीमेटली हाई होता है बॉडी के अंदर में, और जो ब्लड प्रेशर है वो 6 AM पे शार्पली राइज होने लगते हैं. जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो होता है आपके अप्रोक्सीमेटली 4 AM पे. तो इस तरीके से बॉडी का क्लॉक जो है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सीवियस एक्टिविटी है या फिर आपके हार्मोनल एक्टिविटी है या फिर आपके कार्डियक एक्टिविटी है, वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, वो टाइम के अनुसार में वेरी करते रहते हैं. तो उसी वेरिएशन के बेस पे उसके टाइम को प्रॉपरली यूज करके मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करना और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू को इन्हेंस करना, साइड इफेक्ट्स को कम करना, बेसिक मोटो है आपके क्रोनोफार्माकोलॉजी का. So now come to the history of the chronobiology. So basically Jean G.S. D'Ortos de Marien, the scientist that described the circadian rhythm of the plant in 18th century. तो ये आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आपके सर्कैडियन रिदम को प्लांट में डिस्क्राइब किया था अप्रोक्सीमेटली 18th सेंचुरी पे. एंड फ्रांज हेलबर्ग साइंटिस्ट and he coined the term circadian in the 20th century. जो terms हैं वो आपके फ्रांज हेलबर्ग ने describe किया था, coined किया था आपके circadian words को, जो कि ultimately biological clock से related है, जो कि हम आगे बात करेंगे. and circa about the approximately, dian means day, means आपके circadian का मतलब होता है within a day, मतलब 24 hour cycle period पे जो rhythm है उसकी बात कर रहे हैं. and about 24 hour and considered as a one of the founder of modern chronobiology. तो ये आपके founder of chronobiology भी हम बोल सकते हैं आपके फ्रांज हेलबर्ग को. so this is the basic history of the biological rhythm or circadian rhythm or the chronobiology. and now come to the various definitions that is used in the chronopharmacology. so first is the chronobiology, क्योंकि आपके बायोलॉजी से ही फार्माकोलॉजी हम आते हैं. तो बायोलॉजी में होता है आपका क्रोनो मींस होता है टाइम्स, बायो मींस होता है लाइफ और लिविंग थिंग्स, और लॉस मतलब होता है आपका स्टडी और साइंस. सो बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द बायोलॉजिकल रिदम एंड देयर मैकेनिज्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी. मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में जो बायोलॉजिकल रिदम है उसकी स्टडी करना ही एक तरीके से क्रोनोबायोलॉजी का पार्ट है. बायोलॉजिकल रिदम के बारे में हम बात करेंगे. तो बायोलॉजिकल रिदम मींस इट इज द डिटरमाइंड रिदमिक बायोलॉजिकल प्रोसेस और फंक्शन विद इन द डिफाइंड टाइम पीरियड. मींस एक डिफाइंड टाइम पीरियड पे जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो वेरी करता है, फंक्शंस जो है वेरी करते हैं. जैसे कि हम आगे बात कर चुके हैं, जो हमारे हार्ट रेट है या कार्डियक आउटपुट है या फिर आपके ब्लड प्रेशर है या हार्मोन लेवल है, वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है. उस वेरिएशंस को ही स्टडी करना, उसके प्रॉपर डिटरमाइन करना ही एक तरीके से क्रोनोबायोलॉजी का पार्ट है. एंड ए बायोलॉजिकल रिदम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिपीटेशन इन द पीरियड बीइंग रेदर नॉन वेरिंग अंडर द नॉर्मल कंडीशन. मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो वेरी करते रहते हैं, सेल्फ ऑसिलेट होते रहते हैं एक डिफाइंड टाइम पीरियड पे,
जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हमारा जो हार्ट ब्लड प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग पे 6 AM पे शार्पली राइज होता है ये, और जब नाइट होते हैं तो वो ब्लड प्रेशर जो है अपने आप कम हो जाते हैं। सेम आपके हार्मोन लेवल हैं, सेम आपके बॉडी टेम्परेचर्स हैं। जैसे कि जानते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 4 AM पे सबसे लोएस्ट होता है। तो ये डिफाइंड टाइम पे जो है रिदमिक वे पे काम करते हैं हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम। एंड लाइक दिस एंड बहुत सारे पार्ट होते हैं। वो है फर्स्ट आपका है सर्काडियन, मीन्स लास्टिंग फॉर 24 आवर्स, मीन्स स्लीप वेक साइकिल। तो जो सर्काडियन का वर्ड है वो होता है आपका 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स साइकिल पे ही जो है वो रिस्टार्ट होते हैं, वो सिंक्रोनाइजन होते हैं। सेम है आपका इंफ्राडियन, मीन्स साइकिल्स लॉन्गर देन 24 आवर, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। एंड अल्ट्राडियन मीन्स साइकिल्स शॉर्टर देन द 1 डे, लाइक न्यूरोनल फायरिंग टाइम। एंड सीजनल मीन्स सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में जो बेसिकली चेंजेस होते हैं वो आपके बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं। तो ये आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है। नाउ क्रोनो फार्माकोलॉजी। सो क्रोनो मीन्स टाइम, फार्माकोन मीन्स ड्रग, एंड लोगस मीन्स साइंस और स्टडी। सो बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल रिदम। इट कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग अपन द टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स और रिदम। एंड द बेसिक एम इज टू इन्हेंस द थेरेपेटिक एफिकेसी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग इफेक्ट्स, एंड द मिनिमाइजेशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट बाई यूजिंग टाइमिंग मेडिकेशन इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल रिदम। तो अल्टीमेटली क्रोनो फार्माकोलॉजी का जो बेसिक एम ये है कि टाइम के अनुसार में उसकी क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है उसकी स्टडी करना है। और बेसिकली जो मेन मोटो यही है कि हम राइट टाइम पे ड्रग यूज करें ताकि जो वो डिसीज को प्रॉपरली ठीक कर सके। अल्टीमेटली क्रोनो फिजियोलॉजी हो या क्रोनो पैथोफिजियोलॉजी हो या क्रोनो फार्माकोलॉजी हो, ये इंटरलिंक सब्जेक्ट हैं या इंटरलिंक होते हैं। हम क्रोनो फिजियोलॉजी के बेस पे ही हम उसके क्रोनो पैथोफिजियोलॉजी को समझ सकते हैं किसी भी डिसीज के अंदर में। और वो डिसीज जिस समय हाईली एक्सर्बेट होंगे, हाईली आपके प्रोन कंडीशन पे होंगे, उसी समय जो ड्रग लेवल है आपके बॉडी में होना चाहिए ताकि उसको बेहतर तरीके से ठीक कर सके, उसी की स्टडी कम्प्लीटली एक तरीके से क्रोनो फार्माकोलॉजी है, जो कि हम आगे और बात करेंगे। एंड नाउ कम टू द सर्काडियन रिदम, मींस रिदम विद इन द 24 आवर, मींस ऑसिलेशन इन द बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन ए पीरियोडिकली ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर पे जो भी प्रोसेस हैं वो रीऑसिलेट होते हैं, ऑसिलेट होते हैं मींस दोबारा रिसाइकल्स होते रहते हैं, उसको हम तरीके से सर्काडियन रिदम बोलते हैं। मींस रिदमिसिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल और बिहेवियरल फंक्शन विद इन द 24 आवर्स। एंड सर्काडियन रिदम आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द मेडिकल साइंस एट राइट टाइम यूज ऑफ मेडिसिन। तो सर्काडियन रिदम के बेस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं, कर पाते हैं कि हम किस टाइम पे ड्रग को ले सकें। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका SMG को रिडक्टेस इनहिबिटर्स हैं, स्टेटिंस हैं, एटवास्टेटिंस हैं, लोवास्टेटिंस हैं, जो कि एक तरीके से एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हैं, उसको बेसिकली हम लेते हैं बेड टाइम पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका HMG को रिडक्टेस एंजाइम है वो एक तरीके से आपके मिड नाइट पे हाईली एक्टिव होता है। तो उसके बेस पे हम उसको बेड टाइम पे ड्रग को लेते हैं, HMG को रिडक्टेस इनहिबिटर्स को, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो वो आपका टाइमिंग के हिसाब से ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली टाइम को प्रॉपरली यूज करके हम मेडिकेशन थेरेपी को इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। एंड इस सर्टेन क्लॉक 24 आवर क्लॉक इन द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल्स लाइक स्लीप वेक साइकिल, डाइजेशन सिस्टम, टेम्परेचर सिस्टम, हार्मोन्स एंड द सर्कैडियन एक्टिविटी। तो आपका जो सर्कैडियन क्लॉक है वो एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं डेली हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, साइकिल्स को, चाहे वो स्लीप वेक हो, डाइजेशन हो, टेम्परेचर हो। तो वो डिपेंड करते हैं आपके नर्वस सिस्टम पे, जो कि डेली वो रीएक्टिवेट या रिसाइकल्स करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज द रेगुलेशन। सो बेसिकली एक्सटर्नल क्यूज विच रिसेट द सर्कुलर सर्कैडियन क्लॉक दैट नोन इज द जिटरबर्ग, एंड इट इज जर्मन वर्ड दैट इज ए टाइमर, नोन इज टाइमर, एंड इट इज ऑल्सो नोन इज ए सिंक्रोनाइजर। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे फैक्टर जो कि सर्कैडियन क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं, उनको हम जिटरबर्ग्स भी बोलते हैं। एंड दीज आर द बेसिक फोटिक जिटरबर्ग एंड देयर इज अ नॉन फोटिक जिटरबर्ग। जैसे कि आपका लाइट और डार्क है वो बेसिकली मेन इफेक्टिव है हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर ग्रुप में। तो बेसिकली आपका जो आई है वो लाइट को सेंस करता है और उसके हिसाब से ही हमारे जो
मास्टर क्लॉक है बॉडी के अंदर में, जो आपका SCN है, मीन्स सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस है, उसको कंट्रोल करता है। और जैसे कि आपका नाइट होता है, नाइट के समय जो आपका जो डार्क कंडीशन पे आपकी आई पे लाइट नहीं होती है, उससे जो है आपके SCN जो है एक्टिवेट होके आपके मास्टर क्लॉक से जो मास्टर ग्लैंड पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड के अंदर में जो मेलटोनिन रिलीज कराते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, उसके थ्रू जो है हमारे बॉडी क्लॉक को आपके रेगुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये आपके फोर्टिक जिटरबर्ग है। नॉन फोर्टिक में आपका स्लीप वेक साइकिल है, फिजिकल एक्टिविटी है, सोशल टाइम टाइम है, मील्स हैं, तो ये भी कुछ रेगुलेट कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, चाहे वो सेलुलर हो चाहे आपके पेरिफेरल लेवल पे हो। मीन्स इन द मेमिलियन मेमल्स एन इंटरनल वर्चुअल क्लॉक इज लोकेटेड इन द सुप्रा कीस्मेटिक न्यूक्लियस। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव को सुना सकते हैं कि हमारे जो मास्टर क्लॉक है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, वो होते हैं आपके SCN पे ऑफ द हाइपोथैलेमस, या हाइपोथैलेमस भी हो सकते हैं, एंड डिलीवरिंग इट इज द मैसेज ऑफ टाइम थ्रू आउट द बॉडी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कैडियन रिदम एंड एनुअल एंड सीजनल रिदम। तो जो भी आपके रिदम्स हैं, चाहे वो सीजनल हो, एंड सर्कैडियन हो या एनुअल हो, उसको भी ये रेगुलेट कर सकते हैं आपके SCN या सुप्रा न्यूक्लियस, सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस। एंड इट यूजेस द इट्स कनेक्टेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर स्प्रेडिंग इट्स टाइम ऑफ डे मैसेज, आइदर बाई सेटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड लाइक थायराइड एंड ओवरी, और बाई डायरेक्टली कंट्रोलिंग एन इंडोक्राइन आउटपुट ऑफ पिनियल ग्लैंड लाइक मेलाटोनिन। तो अल्टीमेटली ये जो SCN है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही सिग्नल्स को कन्वे करता है पूरे हमारे पेरिफेरल रीजन में, और हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है, एक रिदमिसिटी पे काम कराता है। एंड सो दिस आर द बेसिक बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि फिजियोलॉजिकल क्लॉक भी है, इसको हम क्रोनोबायोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग है, हम बात करते हैं मेलाटोनिन सिक्रेशन की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 PM पे शार्पली ये रिलीज होते हैं, मतलब ये हमारा जो स्लीपिंग है उसको इन्हेंस करता है, इंड्यूस करता है, एक तरीके से एक्टिवेट करता है। तो यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है आपके इंटरेशनल प्रोसेस जो है वो कम होते हैं, आपके डीप स्लीप जाते हैं 2 बजे, उसके बाद आपको जो 4:30 बजे हैं सुबह सुबह 4:30 AM को जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता है सबसे, जो फिर जब से लाइट आपके आई पे आया, लाइट आया, उस लाइट को सेंस करके फिर आपके SCN एक्टिवेट होते हैं, और फिर ये मेलाटोनिन सिक्रेशन को कम करते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है उसके इफेक्टनेस को बढ़ते जाता है, और अल्टीमेटली जो 10 AM है अप्रोक्सीमेटली जो अलर्टनेस है वो हाई होता है, आपके 3 बजे जो है अलर्टनेस ड्रॉप हो जाते हैं, जो मसल स्ट्रेंथ है वो 5 PM पे हाईली होते हैं, जो ब्लड प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली 6:30 AM पे हाई होते हैं, और 7 PM पे जो है टेम्परेचर हाई होते हैं। तो ये तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो डेली का ये रूटीनली क्लॉक है, ये डेली का ही चलते रहते हैं, ये आपके बेसिक बायोलॉजिकल क्लॉक है या फिर सर्कैडियन रिदम है। और सो इसी सर्कैडियन रिदम के बेस पे ही हम फिजियोलॉजिकल जो वेरिएशंस हैं उसको मेजर करके हम बेसिक जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द क्रोनो फार्माकोलॉजी। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल रिदम एंड द टाइम, एंड क्रोनो फिजियोलॉजी, क्रोनो फार्माथोलॉजी एंड क्रोनो फार्माकोलॉजी आर द इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट, एंड द सब डिविजंस आर क्रोनोथेरेपेटिक्स, क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक्स, क्रोनोटॉक्सिसिटी, क्रोनोथेसी एंड क्रोनर्जी। तो बात करें हम इन वर्ड्स के मीनिंग्स की, तो आपका जो पहला है आपका क्रोनोथेरेपेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ द इफेक्टिवनेस थेरेपी लेसन टू द बायोलॉजिकल रिदम ऑफ डिसीज मीन्स क्रोनोपैथोफिजियोलॉजी। तो क्रोनोपैथोफिजियोलॉजी को समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि डिसीज किस टाइम पे हाईली प्रोन होते हैं, हाईली एक्टिवेटेड होते हैं, उस टाइम पे हम ड्रग को प्रॉपर मेंटेन करना हमारे बॉडी के अंदर में ताकि इफेक्टिवनेस बढ़ सके, वो एक तरीके से आपका क्रोनोफार्माथेरेपेटिक्स है या क्रोनोफार्माकोथेरेपी है या क्रोनोथेरेपी है, जिसमें अंदर में क्रोनोफार्मास्यूटिक्स भी आते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज अ क्रोनोकाइनेटिक मीन्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टेम्पोरल चेंजेस इन द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल लाइक ADME ऑफ द ड्रग विद द रिस्पेक्टिव टाइम। तो टाइम के अनुसार में क्या उसकी फार्माकोटिक प्रोफाइल चेंज हो रही है उसको स्टडी करना एक तरीके से फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज द क्रोनोटॉक्सिसिटी मीन्स इट मे बी डिफाइंड एज चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी टू टॉक्सिकेंट इन रिलेशन टू टाइम। तो किस टाइम पे आपका जो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बॉडीज हैं वो किसी पार्टिकुलरली एजेंट्स के लिए हाईली सेंसिटिव होती हैं उसको स्टडी करना एक तरीके से क्रोनोटॉक्सिसिटी का पार्ट है। मीन्स हो सकता है कि आपका जो कोई टॉक्सिकेंट है वो सुबह 5 बजे काम अच्छे से टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वो आपके रात के 10 बजे जो है हाईली टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता हो, तो उस स्टडी उसको स्टडी करना एक तरीके से क्रोनोटॉक्सिकोलॉजी का
पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज द कुनोसेसी एंड द रिदमिक चेंजेस इन द ससेप्टिबल और सेंसिटिविटी ऑफ द टारगेट सिस्टम और ए ड्रग। तो ड्रग मीन्स आपका टारगेट सिस्टम जो है, आपके ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से ड्रग को टाइम के हिसाब से सेंसिटिव करते हैं या उसको रिस्पॉन्स देते हैं। एंड नेक्स्ट इज द कोनर्जी। सो रिदमिक चेंजेस ऑफ द बोथ मीन्स डिजायर्ड इफेक्ट और अनडिजायर्ड इफेक्ट ऑफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। तो क्या टाइम के अनुसार में चेंज हो रहे हैं आपके ड्रग का डिजायर्ड इफेक्ट और अनडिजायर्ड इफेक्ट को, उसके स्टडी करने तरह से कोनर्जी का पार्ट है। जो मेन है वो आपका है क्रोनोथेरेपेटिक्स, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। सो क्रोनोथेरेपेटिक्स और क्रोनोथेरेपी मीन्स इफेक्टिव थेरेपी रिलेशन टू द बायोलॉजिकल रिदम ऑफ ए डिसीज। मीन्स हम क्रोनोथेरेपी का यूज करके हम हमारे जो ड्रग थेरेपी हैं उसको इफेक्टिव बढ़ा सकते हैं और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं कम कर सकते हैं। एंड बेसिकली इट रिफर्स टू द ट्रीटमेंट मेथड विच ड्रग एवेलुएटी इन द टाइम टू मैच रिदम ऑफ डिसीज इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द थेरेपेटिक आउटकम्स एंड द मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स। मीन्स अगर हम क्रोनोपैथोफिजियोलॉजी को समझ चुके होंगे तो हम समझ जाएंगे कि किस टाइम पे डिसीज आपका हाईली एक्सर्बेट रहते हैं, उस टाइम पे हमारे जो ड्रग हैं वो हमारे बॉडी में होना चाहिए ताकि वो उस टाइम पे प्रॉपरली डिसीज को कम कर सके, इससे जो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू है, एफिकेसी, वो बढ़ सके और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो सके। तो उसको ही एक तरीके से क्रोनोथेरेपेटिक्स हम बोल सकते हैं। एंड द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज द प्रिवेंट द ओवरडोज, एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ ड्रग एंड रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स। एंड नाउ कम टू द क्रोनोपैथोफिजियोलॉजी। तो ये एक तरीके से क्रोनोपैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो आपका जो ये आपका मिड नाइट है या आपका दोपहर का समय है या आपका शाम का 6 बजे है या आपका सुबह का 6 बजे है, तो जैसे हम जानते हैं मिड नाइट पे या नाइट एरिया पे जो है आपके पेप्टिक अल्सर हैं या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हैं, सीवियस डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरटेंशन है, सॉरी आपके अस्थमा है, एंजाइना है, वो हाईली प्रोन रहते हैं, हाईली एक्टिवेट रहते हैं। और आपके जो डे टाइम पे हैं आपके माइग्रेन हेडेक हैं, ब्लड सीजर हैं, एक्यूट एंजाइना है, आपके सिकल सेल एनीमिया है, हेमोरेटिक हेमोरेज हैं, अल्सर्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डर्मेटोसिस है, क्रोनिक पेंस हैं, ये आपके इस टाइम पे एक्टिवेट रहते हैं। तो एक टाइम है आपके किसी डिसीज का, तो इसको बेसिक यूज करके हम, जैसे कि हम अगर बात करें कि अस्थमा की, तो अस्थमा का जो बेसिक एक्सर्बेशन है वो आपके मिड नाइट टू मॉर्निंग होता है, मतलब लगभग लगभग 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रोन रहता है। तो उस समय अगर ड्रग हमारे बॉडी में अवेलेबल हो तो बेहतर होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। जाहिर सी बात है हम रात के 2 बजे या 3 बजे या 5 बजे तो उठ के ड्रग नहीं खा सकते, तो हम ड्रग को ऐसे डिजाइन करें, ऐसे ऐसे वे पे हम बनाएं कि वो अगर हम शाम को लेते हैं तब भी इस टाइम पे हमारे बॉडी में पीक लेवल उसका हो, तब वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो वही एक तरीके से क्रोनोफार्माकोलॉजी, क्रोनोथेरेपेटिक्स का पार्ट है जो कि हम आगे और समझेंगे डिटेल में। सो इसलिए जो क्रोनोथेरेपेटिक फार्माकोसिटिक्स है मींस डेवलपमेंट ऑफ द क्रोनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो मीन्स हम ड्रग को ऐसे डिजाइन करें, ऐसे डेवलप करें कि वो उस टाइम पे अवेलेबल हो जिस टाइम पे हमको हमारे बॉडी को जरूरत हो उस डिसीज को ठीक करने के लिए। बाइजिंग द फंक्शनल डिजाइन, फंक्शन डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड द पैकेजिंग डिजाइन, वी कैन प्रिपेयर ए क्रोनोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक वेरियस कोडास, सुडास वगैरह, जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड बेसिकली ये जो ड्रग हैं ये आपके ऑप्टिमल डोजिंग टाइमिंग करते हैं, टाइम कंट्रोल होते हैं, साइड कंट्रोल होते हैं, और ये आपके आइडियल क्रोनोथेरेपी को फॉलो करते हैं। मीन्स आपके थेरेपेटिक वैल्यू को बढ़ाएंगे, साइड इफेक्ट्स को कम करेंगे। फॉर एग्जांपल्स ऑफ द क्रोनो ड्रग सिस्टम्स आर सुडास मीन्स स्टेरॉयडल ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन सिस्टम, कोडास मीन्स क्रोनोथेरेपेटिक्स ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन सिस्टम, क्रोनो मॉड्यूलेटिंग इन्फ्यूजन पंप्स, टाइमरेक्स एंड कॉन्टिनर। ये बीच कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके CDDS का, जो कि अगर आप इन्फॉर्म करेंगे तो आप फार्मास्यूटिक्स में करेंगे तो उसको बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द क्रोनोफार्माकोलॉजी। सो वी कैन यूज इन द अस्थमा थेरेपी, हाइपरटेंशन, ऑन्कोलॉजी, स्ट्रोक्स, स्लीप एपनिया, GI tract डिसऑर्डर्स एंड द एलर्जीज। तो हम बेसिकली एग्जाम्पल ग्रुप में बात करेंगे अस्थमा और हाइपरटेंशन की। सो अस्थमा थेरेपी, सो अस्थमेटिक अटैक इज मोर कॉमन इन द बिटवीन 2 AM to 6 AM एंड द रिस्क ऑफ अस्थमेटिक अटैक इज ऑलमोस्ट 70 times हायर इन पेशेंट एट द 4 AM to 5 AM इन द मॉर्निंग कंपेयर विद द अदर टाइम और आफ्टरनून, एंड इंक्रीज द ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एट द नाइट ड्यू टू
क्योंकि जैसे जानते हैं कि जो आपका अस्थमा का जो प्रॉन टाइम है वो है आपका मॉर्निंग पे 2 AM to 6 AM पे। क्यों होता है? बिकॉज जो भी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्टर हैं वो नाइट पे हाईली एक्टिव होते हैं, लाइक इंक्रीज द पैरासिम्पेथेटिक टोन एंड डिक्रीज द एड्रेनालिन और सिम्पेथेटिक टोन एंड डिक्रीज द कॉर्टिसोल्स एट मिड नाइट एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू इरिटेंट लाइक हिस्टामिन्स एंड एलर्जेंस लाइक एट नाइट एंड द एग्जर्बेशन ऑफ द एलर्जिक राइनाइटिस एंड द अस्थमा। तो ऐसे प्रोसेस जो कि अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हाईली एक्टिवेट रहते हैं, और जो प्रोसेस जो अस्थमा को कम कर सकते हैं मीन्स ब्रोंकोडायलेशन करते हैं वो कम होते हैं, जैसे कि आपका एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल्स। तो ये दोनों जो हैं एक तरह से अस्थमा को कम करते हैं और ये जो हैं आपके बढ़ाते हैं। तो ये नाइट के समय में इस तरीके से पैटर्न पे होता है, इसलिए अस्थमा से अस्थमेटिक अटैक जो है वो नाइट पे या फिर अर्ली मॉर्निंग पे हाईली प्रोन रहते हैं। एंड कोरोना फार्माकोथेरेपी फॉर अस्थमा इज एम टू गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द ब्रोंको डायल्टर ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। सो एग्जाम्पल इज द सस्टेन रिलीज लॉन्ग एक्टिंग थियोफाइलिन एंड दैट इज टेकन वंस ए डे इन द इवनिंग कॉजेस थियोफाइलिन ब्लड लेवल टू रीच देयर पीक एंड इम्प्रूव द लंग्स फंक्शन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट अर्ली मॉर्निंग। तो मल्टीपल डोज लेने से बेहतर है कि हम एक टाइम डोज लें, जिस टाइम पे आपका डिसीज प्रोन रहते हैं उस टाइम पे आपका ड्रग जो है बॉडी में होना चाहिए। तो हम इसलिए यूज करते हैं सस्टेन रिलीज लॉन्ग एक्टिंग थियोफाइलिन, जो कि हम नाइट नाइट पे लेते हैं, लेकिन जो वो धीरे धीरे रिलीज होके जो पीक लेवल है वो पहुंचता है आपके अर्ली मॉर्निंग पे पहुंचता है, ताकि उस समय जो है आपको अस्मेटिक अटैक ना हो। अगर हम कोई भी ड्रग दिन में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिन पे हमको अटैक तो बहुत कम आएगा, तो वो ड्रग जो फालतू वेस्ट होगा हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स कॉज करेंगे। तो बेहतर ये है कि हम क्रोनो बायोलॉजी का क्रोनो फार्माकोलॉजी का बेसिक यूज करके हम डिसीज को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द हाइपरटेंशन थेरेपी, मींस दैट इज अ ब्लड प्रेशर पैटर्न ऑफ इन द डे। हम जानते हैं कि आपका जो नाइट समय है जो आपके लगभग 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है आपके ब्लड प्रेशर बहुत कम रहते हैं, तो इस समय हमारे बॉडी के अंदर में ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपका मॉर्निंग होता है 6 AM पे जो राइज शार्पली राइज होता है और जो पीक होता है वो अप्रोक्सीमेटली आपके 6 बजे पे होता है। तो अल्टीमेटली जो डे पे है ब्लड प्रेशर है वो हाईली होते हैं, क्योंकि हम जो डे कंडीशन पे जो है हम हाईली एक्टिव होते हैं, हमारा सिम्थेटिक सिस्टम जो है हाईली एक्टिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। तो उस समय हमको ड्रग जरूरत होती है, नाइट में जरूरत नहीं होती है। तो उसी को ऑब्जर्व करके वी कैन यूज द कोर फेरापोमिल मीन्स कंट्रोल्ड ऑनसेट एक्सटेंड रिलीज सिस्टम ऑफ फेरापोमिल यूज इन द हाइपरटेंशन इज टू फॉर्मुलेटेड एज ए पिल with the cell that dissolves slowly and taken at a bedtime, this exert peak effects between 5 AM and noon and noon and no midnight dip and the BP is seen. तो ultimately same है कि हम जो ये system drug use करते हैं core travel use करते हैं जो कि हम night में लेते हैं, और उनका जो peak level है वो आपके approximately 5 AM पे पहुंचता है, ताकि 6 AM पे जो blood pressure rise होगा उसको control कर सके और आपके दिन में भी कम कर सके, लेकिन उसका रात में इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि रात में इफेक्ट जो है कम्प्लीटली खत्म हो जाते हैं। सो ये बेसिक आपके क्रोनो फार्माकोलॉजी का यूज है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, आपके फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट पे। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द क्रोनो फार्माकोलॉजी, एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.